जी 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 हीरा पुष्टा शाह अहमद लाल या पीछे आ जाओ इधर आ जाओ इधर चलो अच्छा ऑर्गेनाइज कराते हैं गेम को।
नेक्स्ट राउंड ऑफ अवार्ड में हमारे सुपर गेस्ट भी हैं, जैसे रियाज अलदानी साहब देंगे, कॉर्पोरेट लीडर रियाज अलदानी, वो सेंटर पे आ जाए थोड़ा सा। ये फुटबॉल गेस्ट के अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है भलो सीनियर के उस्ताद अजहर साहब के लिए, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फैमिली के साथ आए उस्ताद अजहर, प्लीज हमें ज्वाइन करें और आके अपना अवार्ड रिसीव करें। रियाज अहमदानी साहब से, स्क्वाड्रन लीडर रियाज अहमदानी, उस्ताद अजहर, इसी तरह हमारा नेक्स्ट अवार्ड है एक्स केपीटी प्रोलिफिक स्ट्राइकर, पुराने प्लेयर हैं उस्ताद फैज के लिए, ये मधु, मधु के हमारे सपोर्टर और ये प्लेयर, इन्होंने टीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जायद बलोच सीए के हमारे रफीक बलोच, आप सबका मशहूर चैनल देख रहे हैं, और हमारी इंशाल्लाह मैच भी देखोगे, विनिंग साइड होगी। आज हमारे हफीज भाई ने काफ़ी अच्छा खेला, मुझे बहुत पसंद आया हफीज आज, वाकई में गेम था जो गंभीर चीज चाहिए था, हफीज भाई ने आज हमें दिल खुश कर दिया। अली भाई आप क्या कहना चाहते हो, कौन सा क्रीम लगाया आपने भाई, कौन सा क्रीम लगाया बताओ ना, फेरन अबरी या फायजा क्रीम लगाया है? अस्सलाम वालेकुम भाई, आज का काफी शानदार मैच रहा, आप लोगों को कैसा लगा? आप तो विनिंग साइड हो माशाल्लाह, लड़कों ने काफी अच्छा खेला, शुरू में काफी कमजोर लग रहा था, उसके बाद माशाल्लाह बैकअप जो किया काफी अच्छा किया इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? आपकी टीम ने काफी अच्छा, माजिद भाई आप क्या कहना चाहते हो, आपकी टीम ने जीता, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मधु मंडल ने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस ये दिल ही दिल में आप लोग के चेहरे माशाल्लाह। आप रेड कार्ड किस बात पे हुए थे देख रहे हो आप, एंड के टाइम था तो टीम पर अटैक पर अटैक हो रहा था, उस टाइम बहुत खराब उस रेफरी ने फॉल लेकर उसके उस तरफ ले रहे थे, फॉल हमारे खिलाफ दिया उसने, तो मैं पता है एंड के टाइम चल रहा था, तो टीम के लिए फिर काफी तो ये तो मेरे वीडियो में मैंने चिल्लाया उसने, मैंने अपील किया, मेरा था उसका भी कोच ने कैसा अकील उसको गाली दिया बाजा, मैंने गाली नहीं दिया, तो मैंने बोला आपने कैसा फॉल लिया टीम के खिलाफ, इसलिए मैंने अपील किया, अपील मेरा हक है, वो जज है। बिल्कुल सही अम्मा, अरे मतलब लोग चैनल देख रहे हैं, उन्हें पता है रेप काफी गलत थे, लेकिन बस अल्लाह ताला जिसे रखी उसे कौन छके, अल्लाह ताला को इज्जत देनी थी, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी शुक्रिया, अल्लाह ताला ने जो हमें इज्जत बख्शी है। 2008 में पैनल था तुम्हारी जेल के खिलाफ हमारा अलीगढ़ यूनियन के ग्राउंड में, माशाल्लाह आज मेरे ख्याल में 14 साल के बाद आज फिर मारीपुर के सामने था हमारा पैनल, और आपका शर्ट का नंबर भी 14 है इत्तेफाक से, बिल्कुल 14 साल के बाद और शर्ट नंबर भी 14 है आपका, वही जोश वही जज्बा, आप इंशाल्लाह हम आगे भी यही जोश यही जज्बा देखना चाहते हैं। शुरू में हमारे लड़के काफी इधर उधर होते हैं, लेकिन उसके बाद बैकअप जब पकड़ते तो बहुत अच्छा पकड़ते हैं, तो काफी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन फिर भी मधु ने काफी अच्छा खेला, वो लोग नर्वस हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने गोल दिया तो उनके रिदम आ गया था, इसलिए लड़कों को प्रेसिंग करो, प्रेसिंग करोगे उसको तो जीतेंगे इंशाल्लाह, जीत हमें मिल गई है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम विन कर चुकी है और हमें बहुत खुशी है, आपका खुशी का बयान तो हम कर नहीं कर सकते, तो आप क्या कहना चाहते हो आज? सब लड़कों ने शुरू में तो काफी
इस तरह खेला कि समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह उन लोगों ने कम्बाइट किया सही है, आखिरी के जो 15 मिनट थे उसमें हम सब लड़के यानी अपना अपना जगह अपना जिम्मेदारी बिल्कुल बाखूबी निभा रहे थे जो हमने देखा। सेकेंड हाफ में भी उसी तरह था, बीच में फिर दगवा गए, फिर लास्ट मोमेंट उन लोगों ने दोबारा पकड़ा। तो माशाल्लाह आप लोग खुशी के हमारे यहाँ बैठे हो तो हमें भी खुशी हो रही है, हमारे सपोर्टर भी काफ़ी खुश हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी गेम काफी अच्छा था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसी तरह मधु के रहोगे, यंग लड़के इसी तरह इंशाल्लाह आप लोग को देख के आगे आएंगे और इसी तरह यही जुनून होना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जुबैर, कैसे हैं आप? आज आपने तो कमाल कर दिया यार, उमदा गेम खेला आपने, बहुत ज़बरदस्त। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग वीडियो इंशाल्लाह देखेंगे, आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। आपने बिल्कुल सही खेला, जहां आपको अपना हक अदा करना चाहिए था उस जगह पे अपना बिल्कुल हक अदा करके दिखाया आपने। तो इंशाल्लाह हम आगे भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, ये विनिंग मोमेंट है। मधु के साथ मैं आपको देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम में, आप माशाल्लाह ज्वाइंट भी हो चुके हो, कोच भी हो यहाँ लड़कों के, तो मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। आप अपना कुछ फीलिंग हमारे साथ शेयर करोगे? सबसे पहले हम लोग को स्कोर करना है, स्कोर के बाद तो हम लोग अपने टीम को सेटिंग के मुताबिक खेलेंगे। हम बहुत खुश हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हम यही चाहते हैं कि हमारे जूनियर प्लेयर जो होंगे वो हमसे ज़्यादा बेटर खेलें। और हम जो फील हो रहा है हमें कुछ कह नहीं सकते, बस यही हमारा ख्वाहिश था। हम लोग जैसे तैसे फाइनल विन करना है, फाइनल तो आ गए लेकिन विन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी काफ़ी खुशी है। अभी हम आपको मिलाएंगे मोइन इंटरनेशनल प्लेयर, काफ़ी इसके चर्चे हैं इस ग्राउंड में, तो हमारे चीफ गेस्ट भी आते हैं, मोइन का नाम लेते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर से बिल्कुल अच्छी तरह मिलते हैं। तो हमारी भी दुआ है इंशाल्लाह मोइन इसी तरह आगे पाकिस्तान के लिए और नाम कमाए और पाकिस्तान के लिए झंडे गाड़े जहाँ भी जाए। तो मोइन भाई हमें खुशी है, आपने आज भी काफ़ी अच्छा खेला, अपने पास दिए, गोल हुआ, मिसिंग हुई, लेकिन आपने बड़ा परफॉर्मेंस अच्छा किया। तो हम इंशाल्लाह आगे भी आपसे यही उम्मीद करेंगे। तो आप अपना कुछ हमें बता सकते हैं फीलिंग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीना है। आप बहुत हम इस चीज़ से आपसे बहुत खुश हैं और आप हमें आगे भी सपोर्ट किया करो, बिल्कुल हम आपको सपोर्ट इसी तरह करते हैं। कुछ मेरा फायर है तो मेरे पास दो एडवांटेज है, दो एडवांटेज की वजह से मैं आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और आगे इसी तरह बढ़ाएंगे, इस तरह आप चल रहे हो कोचों को लेके, बिल्कुल इंशाल्लाह ये आपका नेचर है, ये अच्छी चीज़ है। हम दुआएं कि अल्लाह ताला आपको और आगे बढ़ाए, जिंदाबाद। हमारे बहुत प्यारे प्लेयर फसी बलोच, आदिल बलोच नेवी के हमारे माशाल्लाह नेवी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट प्लेयर है, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हम फसी से कुछ बात करना चाहते हैं, फसी आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा और आप काफी अच्छा खेल रहे थे। थैंक यू। नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास, अगेन अनदर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम शाहजान बलोच, हमारे आज के इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मैन ऑफ द मैच भी रहेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छा खेला शाहजान बलोच ने, आप लोगों ने देखा दो गोल शाहजान ने किए। तो शाहजान हमें तो खुशी है, आपकी फीलिंग का भी इंशाल्लाह आपके चेहरे से पता चल रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हो? जैसे आपका गेम काफ़ी अच्छा था आज, आपने जो गेम मधु को चाहिए था आज आपने उसी तरह खेल के, जिस तरह मोहन आपको पास दे रहे थे, गोल दे रहे थे, तो काफ़ी आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि
और जब मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे तो लोग काफी आपका तारीफ कर रहे थे कि यार जो आपका गेम था लास्ट वाला जो शायद आपको लग गया था तो लास्ट वाले में सब आपके बड़ा तारीफ कर रहे थे लेकिन बोल के अंदर नहीं गए इत्तेफाक से लेकिन आपने काफी अच्छा ट्राई किया था। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा अगर गोल होता ना तो हकीकत तारीख ही गोल होता। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान के लिए कुछ करोगे इंशाल्लाह। शाहजान बलोच हमारे मधु के कोच और कैप्टन वाजिद बलोच मुर्तजा। तो सर रेड कार्ड का काफी लोग चर्चा कर रहे हैं आपका रेड कार्ड आप हुए थे रेड कार्ड मतलब मेरे तो समझ में नहीं है अगर आपने अपने हक के लिए कुछ बोला है तो आपको रेड कार्ड करना नहीं चाहिए। तो मैंने तो आपके हक में काफी फैसले गलत हो गए तुमने देखा था लेकिन जब आप रेड कार्ड हुए मैं आपको एक बात बताऊं आपके लड़कों ने तब भी उमदा खेल कारकर्दगी का मुजाहरा किया लिया था उसको आपने देखा उसके कोच ने उसको कैसे सुनाया था। वैसे मैं बताऊं इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच था इनका काम नहीं था इस टीम में ऐसा अच्छा। मुर्तजा हमारे कैप्टन है मधु ममदन के विनिंग टीम के कप्तान। तो मुर्तजा भाई आप क्या कहना चाहते हो हमें तो काफी पसंद आया अच्छा लगा आप लोगों का गेम और आपने भी काफी अच्छा खेला था सही बात है। लोग भी काफी आप लोग के तरफ आ रहे थे लेकिन पहले इधर फिर इधर लोगों के भी मैं काफी बातें सुन रहा था कुछ बातें मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा था क्यों आप मेरी टीम है मधु। लेकिन जहां आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा खेल दिखा रहे थे सही है वहां लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे यही लोग आप लोग को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन स्टार्टिंग में अक्सर मैंने देखा कि मधु जो है ना थोड़ा उसमें वीकनेस आ जाती है जो एंड में 15-20 मिनट होते तो 15 मिनट यानी तो उसमें आप लोग क्या ऐसा आप लोग को हो जाता है तो उसमें बहुत आप लोग बहुत अच्छा खेल लेते हो। तो माशाल्लाह जैसा आप लोगों ने पकड़ा था ना उसी हिसाब से ही चल रहे थे अब आजम खान को बुलाओ सलीम भाई एक सेकंड रुक रहा है ठीक है आप ट्रॉफी पीछे कर दे बस के लिए
कैमरे में सब पीछे थोड़ा फैला ला नीचे आओ नीचे हेलो नीचे हेलो नीचे बैठ जाओ नीचे नीचे एक सेकंड Thank you.